साउंड नहीं देखने को मिलेगी इन गेम, तो यार थोड़ा देख लेना। लेकिन आने वाली वीडियो में यार मैं ट्राई करूंगा ऐसी दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई देखो नया आयो ऐसा, मेरे को क्या पता भाई ऐसा भी हो जाता है, क्या सीन है, मतलब घपला स्कैम कर दिया भाई बहुत बड़े वाला। लेकिन गाइस ये वाला गेम बड़ा जबरदस्त था, मतलब इसमें काफी ज्यादा किल्स थे हमारे और मजा भी आया इस वाले गेम प्ले में, तो गाइस एंजॉय करना। तो यहाँ पे कुछ बंदों को हम निपटा देते हैं पहले से, जो स्क्वाड हमारे ऊपर मतलब कूद गई थी, और यहाँ पे दो फ्लेयर गन भी मिल चुकी थी हमें। और अब थर्ड वाली बिल्डिंग में बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं इसको मारने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन मैं इसके सामने से कूद जाता हूँ और बस मरता मरता बचा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउच एंड शूट कर दिया, और शानदार भी मेरे पीछे था, तो शायद उसका थोड़ा सा ध्यान भटक गया होगा यहाँ पे। तो एक और बंदा यहाँ पे खड़ा था जो कि अपनी शॉटगन रिलोड कर रहा था, तो इसको भी मैं निपटा देता हूँ जल्दी से। और फिर इनका लास्ट वाला बंदा भाई हम पे रश कर देता पूरी तेज, तो भैया जी शानदार को नॉक कर देते हैं वो। और अब मेरे पास भी इतनी हेल्थ नहीं थी कि मैं मतलब फेस टू फेस लड़ाई करूँ, तो मैं थोड़ा सोचा था यार होल्ड कर लेना चाहिए। तो बंदा क्या करता है जल्दबाजी में भैया इधर से कूद जाता है, और यहाँ पे क्राउच एंड शूट तुम्हें पता है कितनी खतरनाक चीज है, तो भाई कर देते हैं इसे भी खत्म। तो यहाँ पे हमने फ्लेयर वगैरह चला दी थी अपनी, और ग्रोजा और रेडल मिल जाती है, जो कि गोड कॉम्बिनेशन है भाई तुम्हें पता होगा। ग्रोजा तो सच में खतरनाक है भाई कसम से, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड में मुझे M249 उठानी पड़ जाती है, और डुओ वर्सेस स्क्वाड में भी कभी कभी। लेकिन अगर मैं वैसे डुओ वर्सेस डुओ खेलूँ ना, तो भाई ग्रोजा बेस्ट है, या फिर सोलो वर्सेस सोलो में भाई कसम से M249 को मात दे देगी यार ग्रोजा। लेकिन डुओ वर्सेस स्क्वाड में थोड़ा होता है कि भाई 100 गोलियां थोड़ा बेनिफिट दे देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता भाई थर्ड वाली बिल्डिंग में कुछ बंदे थे जिनके फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो इतने में भैया ये बंदा भी ऊपर आ जाता है और यहाँ पे आके फैल जाएगा आराम से। तो मैंने शानदार को बता दी थी कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा है भैया फैल चुके हमारी बिल्डिंग के ऊपर आके, तो शानदार भैया उन्हें पूरा खा जाएंगे। और मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ, क्योंकि उसकी स्क्वाड भी भाई पूरा रश करेगी हमारे ऊपर, तो देखो अब कैसे निपटाते हैं उन्हें। तो ये बंदा तो भैया झाड़ी में घुस के बैठा था पूरा, इसको भी जल्दी से नॉकआउट करता हूँ। तो यहाँ पे दो बंदे नॉकआउट कर लिए, और ये वाला बंदा भाई शानदार के पीछे पड़ गया था और भूल गया था भाई मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, तो भाई कर देते हैं इनमें खत्म। तो यहाँ पे गाइस देखना शानदार की फुर्ती लूटने के, भाई 2 6x स्कोप थे, भाई दोनों के दोनों उठा लिए, मतलब एक भी नहीं लेने दिया मेरे को, वो तो अच्छा हो मेरे को बाद में मिल गया। तो यहाँ पे हम सोच रहे थे भाई बोट लेके निकलते हैं दूसरी तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप मंगाई थी कुछ बंदों ने, और यहाँ पे एक यूएस भी पड़ी थी भाई आर्मर्ड, तो मुझे नहीं पता ये मतलब स्पॉन हो गई गलती से पबजी का नया ग्लिच है कुछ, या फिर इन्होंने मतलब मंगाई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एक बंदा भाई इधर से रश कर रहा था, तो उसको भी जल्दी से निपटाते हैं प्रोनन शूट के साथ। और लास्ट वाला बंदा भाई खिड़की से जंप लगा देता, तो भाई कर देते हैं इसे भी खत्म। तो गाइस जब हमें दूसरी तरफ जाना था और आसपास बोट नहीं थी, तो मैंने सोचा यार बोट पलटते हैं, मतलब ये टिप्स ट्रिक्स लगा रहा था मैं यहाँ पे, और कुछ और ही इजाद कर लिया हमने। तो गाइस ये भी नई ट्रिक है कि भाई कि अगर आप चाहते हो कि दुश्मन अगर दूसरी तरफ है और वो बोट लेके ना पाए, तो भाई क्या करो कि बोट ऊपर चढ़ा दो जमीन पे, और गाड़ी से भैया पलटा दो उसे। तो यहाँ पे एक बग्गी दिख चुकी थी हमें, जिसका मैं पीछा करते हुए आ जाता हूँ, और यहाँ पे भैया स्कैम हो गया बहुत बड़े वाला कि एक गाड़ी लेके और स्क्वाड आ गई है, मेरे को नहीं पता ये इनके बंदे हैं क्या सीन है, तो निपटाते भाई ने जल्दी से। तो इस बंदे को देखो भाई ये छत पे कैसे बैठेगा, मतलब इस बेचारे पे क्या बीत रहे होगी इस टाइम। मैं इस टाइम पे बहुत हंसा था जब मतलब ये बंदा ऐसे ही मतलब बैठा रह गया, और मैं मतलब घुमाता रह गया गाड़ी।
तो लास्ट बंदा भाई यहाँ पे छुप रहा था, तो भाई निपटाते हैं इसे भी। तो गाइस यहाँ पे होगा गंदे वाला स्कैम, मतलब वैसे तो गेम ही स्कैम है पूरा, क्योंकि भाई यहाँ पे साउंड उड़ा दी भाई एप्पल वालों ने हमारी, कि भाई हम नहीं दे रहे तेरे को साउंड वाउंड ऐसे मजे ले तू। यहाँ पे क्या होता है, स्क्वाड भाई हम पे रश कर देती है और चार बंदे थे भाई, तो देखो कैसे निपटाते हैं अब। तो गाइस तुमने देखा होगा मैं चारों के सामने एक साथ नहीं जाता, मैं क्या करता हूँ एक बंदे को नॉकआउट करता हूँ फिर पीछे भाग जाता हूँ, फिर आता हूँ फिर एक बंदे को नॉकआउट करता हूँ फिर पीछे भाग जाता हूँ, और ऐसे शानदार करता था। तो गाइस यही तरीका है भाई मारने का, अगर तुमसे ज्यादा स्क्वाड के बंदे है ना सामने वाली के, दो बंदों से फाइट मत लो, एक साथ एक ही बंदे से फाइट लो, पीछे हट जाओ कवर में आ जाओ, कुछ भी करो, मतलब ट्राई करो, अगर ना हो सके तो वो अलग बात है, लेकिन ट्राई कर लेना चाहिए यार। तो यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप मंगाई थी, तो हमने सोचा भाई चलते हैं, मतलब लूटने वूटने तो नहीं, मतलब बंदे बंदे मारेंगे वहाँ पे, क्योंकि लूट तो हमारे पे वैसे जबरदस्त है दोनों पे। तो इतना भैया क्या होता है, पीछे घरों से कुछ बंदे हम पे फायरिंग करने लगते हैं, तो मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ कर भाई मतलब निकल लेते हैं वहाँ से, क्योंकि रुकने का कुछ फायदा नहीं था, क्या पता भाई नोक वोक कर देते और फिर दिक्कत हो जाती। तो इस बंदे को मैं जल्दी से नॉकआउट करके नीचे भाग जाता हूँ, यहाँ पे गिली बाबा भगे भगे आते हैं कि भाई मंत्र फूंक दूंगा इस तेरे ऊपर, तो इसको भी नॉकआउट करता हूँ जल्दी से। और लास्ट वाला बंदा भाई यहाँ पे बैठ के मजे ले रहा था, मजे तो नहीं रिवाइव करने की सोच रहा था, लेकिन भाई कर देते हैं इसे भी खत्म। तो अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि गाड़ी लेके निकलते हैं, लेकिन फिर मेरे ध्यान आया कि भाई जोन तो हमारे ऊपर ही है, और जिन्होंने फ्लेयर मंगाई थी वो बंदे अभी जोन से बाहर हैं, तो कहाँ पे आएंगे, हमारे पास आएंगे ऑब्वियसली बात है। तो गाइस वही है भाई, कभी कभी एंगल होल्ड करने में फायदा है तुम्हारा, लास्ट जोन में अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा घर है, अगर सामने स्क्वाड है फुल, भाई पहले उनके एक दो बंदे निपटा दो और फिर बाद में गाड़ी वाड़ी घुमा के मारो उन्हें, क्योंकि चार बंदों से भाई थोड़ी दिक्कत हो जाती है लास्ट जोन में, क्योंकि सब अगर स्प्रेड होकर रखेंगे भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़े वाली। तो ये बंदा मेरे को भगता हुआ दिखता है, मैं इसे एडब्ल्यू का फटका देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं लगता, कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक बंदे का भाई फुटस्टेप्स आ रहे थे जो कि बहुत तेज भगा भगा रहा था, तो भाई निपटा आते हैं इसे भी जल्दी से। तो इस बंदे को खत्म करने के लिए मैं मोली कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे जल्दी से खत्म हो जाए। तो यहाँ पे शानदार भी इनके एक बंदे को मार के खत्म कर देता पूरा का पूरा, और मैं भी कर देता हूँ। तो अब यार टाइम था, दो बंदे बच चुके थे, हम भी दो थे, तो इस टाइम भाई डरने का देखो कुछ मतलब बनता ही नहीं, ठीक है। तो भाई अंधाधुन कर दो भाई रश, अगर क्योंकि तुम्हारे पास होना चाहिए भाई कॉन्फिडेंस, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तुम्हें अपने पे भरोसा ही नहीं होगा भाई, तुम मार लोगे बंदे तो भाई क्या करोगे मतलब तुम। इसलिए अगर 2v2, 1v1 या 4v4 सिचुएशन हो ना भाई, तो एग्रेसिव खेलो भाई दबा के लास्ट जोन में। तो लास्ट बंदा गाड़ी में गेड़ी मार रहा था, तो मैं इसे जल्दी से मतलब ग्रोजर से हिट देता हूँ और जल्दी से उतर के मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई कर देते हैं इसे भी खत्म। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, मेरे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लो, जो बंदो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और गाइस सॉरी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई भाई, लेकिन iOS का ग्लिच है भाई, क्या कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी कंपनियों का भी भाई ग्लिच ग्लिच भरे पड़े हैं इसके नए OS में।